हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको दोस्त विजय सिंह झाला द्वारका। रात को हम वॉक करने के लिए गोमती घाट पे निकले थे और इस तरफ छप्पन पगथिया साइड हम ध्वजा का दर्शन करने के लिए आए थे। खड़केश्वर महादेव मेरी सबसे फेवरेट जगह है। यहाँ हम रात को बैठने के लिए गए थे। ये पुराना फोटो है, जहाँ मार्किंग किया है वहीं हम बैठेंगे। अभी तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, बहुत सारी बैठने की जगह है। अब द्वारका आओ तो यहाँ का गर्म दूध जरूर पीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें थाबड़ी पेड़ा भी डालते हैं। सुबह हम चेकआउट करके सीधा मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए थे, वहीं से हम लोग सीधा शिवराजपुर जाएंगे। ये हमारे दोस्त जयराज सिंह झाला है और इनका परिवार है। ये लोग यहाँ पे ध्वजा चढ़ाने के लिए आए, हमें भी इनका इनविटेशन था, तो हम बहुत तकदीर वाले हैं, इसी टाइम पे हम यहाँ मौजूद हैं। जिस परिवार की ध्वजा होती है वो अपने सर पे रख के ध्वजा को द्वारकाधीश मंदिर तक लेके जाते हैं। सब लोग उसको छू के आशीर्वाद लेते हैं। हमारा तकदीर अच्छा था तो हमें उसी ध्वजा को सर पे रखने का मौका मिला, ये सब लोगों को नहीं मिलता है। सुबह 5 बजे से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया पिया था, इसलिए सबसे पहले हमने चाय कॉफ़ी पिया, उसके बाद हम लोग गोमती घाट में नहाने के लिए गए। यहाँ का पानी हमेशा साफ रहता है, आपको मछलियों को खाना खिलाने में बहुत अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, समस्त संसार का कोई भी कृष्ण प्रेमी अगर द्वारका आगे एक बार पवित्र वन से मेरा नाम स्मरण कर ले तो उसे उसका कृष्ण अवश्य मिल जाएगा। ये कृष्ण भगवान की धर्मपत्नी रुक्मिणी माता जी का मंदिर है। अगर आप द्वारका आए हो और रुक्मिणी माता जी के दर्शन किए बिना चले गए तो आपके दर्शन अधूरे हैं, आपको फिर से आना पड़ेगा। ये जगत मंदिर से बहुत दूर है, इसलिए काफ़ी लोग इसको स्किप कर जाते हैं या भूल जाते हैं, या काफ़ी लोगों को पता नहीं यहाँ दर्शन करने के लिए आना है।
यहाँ से हम आगे जाएंगे सूरजपुर बीच। सूरजपुर बीच द्वारका से 14 किलोमीटर दूर है। बारिश का माहौल हो गया है और हवा भी तेज़ है, इसलिए आज सभी राइड्स बंद हैं और द्वारका में भी सभी राइड्स बंद थी। तो आज हम खाली बीच पे ऐसे ही घूम के निकल जाएंगे। बापले चलिए दोस्तों, अलविदा कहने का समय आ गया है। इसी तरह हमारे सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।